ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब घर पर हैं और सेफ बैठे हैं। तो आज हम जो है ईवीएस का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, थर्ड तो हमने कंप्लीट कर लिया था, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा रह गया था, दैट इज़ जो हिंदी मीडियम वाली जिनके पास बुक्स हैं उसमें जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो कंबाइन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा परेशान ना हो। तो जो सेकंड चैप्टर है एनर्जी रिसोर्सेज, अब आपको ये बेशक दिख इंग्लिश में रहा होगा लेकिन हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि मैं हर एक चीज़ साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आज हम क्या है अपना जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्जा के संसाधन। क्या बोलेंगे? ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा प्लीज़। तो मतलब क्या है, पहले हम बात करेंगे कि एनर्जी के रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिए, पहला वर्ड जो दे रखा है एनर्जी, ऊर्जा। क्या होती है ये ऊर्जा? तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझने की ट्राई करते हैं। हम देखो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो हम में एनर्जी आती है, हम में एनर्जी आएगी तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कि हमारे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे अंदर की एनर्जी बोलते हैं। हमारे अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या है हमारे अंदर, क्या है किसी भी काम को करने की क्या है पावर क्या है, उतनी ही ज़्यादा क्या है हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है वो उसको क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी जो कहाँ से मिलेगी, हम खाना खाएंगे हमें उससे मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जो है अपने जितना भी काम है आसपास वाला, जो है आप खेतों का लगा लो या कुछ भी, वो क्या करते थे, सब खुद करते थे। अब खुद करते थे तो उस खुद का जो खुद जो काम है वो करने के लिए क्या करता था, मस्कुलर मसल्स का यूज़ करते थे, अपने हाथ का यूज़ करते थे, अपने पाँव का यूज़ करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, तो उससे क्या हुआ, वो क्या करते थे अपनी बॉडी की ही एनर्जी का क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उस टाइम में क्या होता था, 70% ऑफ मस्कुलर एनर्जी, मतलब मांसपेशियों में जो एनर्जी है उसका क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या है जो युग है हमारा चेंज होता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, आज का जो ये दौर है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। आपने देखा हर जगह फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कारों की मशीन, जो मशीन हर जगह हम क्या कर रहे हैं, इवन हमारे घरों में भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी किचन, हमारा फ्रिज, हमारा वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, एनर्जी की क्या है हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होती गई, चेंज होती गई। अब हमें एनर्जी किस लिए चाहिए, मशीन को रन करने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एक सामान को उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए एक दूसरे के साथ, हमारे हेल्थ के लिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट मशीन आ गई हैं, एमआरआई मशीन हो गई, ठीक है, या फिर एक्सरे मशीन हो गई, या वेंटिलेटर्स हो गए, ये सब क्या है हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही तो नतीजा है। साथ ही साथ क्या है, घर पर हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्या होती है ये हमें पता लग गया, लेकिन टाइम टू टाइम क्या है उस एनर्जी की जो डेस्टिनेशन है ना वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। पहले हम क्या है एनर्जी जो लेते थे वो खुद के लिए लेते थे ओनली, ताकि हम क्या है उस एनर्जी का यूज़ कर सकें, क्या करने के लिए, जितना भी खेतों में काम हो रहा है या फिर हमारे घर के आसपास जितना भी काम हो रहा है उसको करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एनर्जी की सिर्फ नीड हमें ही नहीं है, साथ ही साथ क्या है जो भी हम मशीन रन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उन सबको क्या है एनर्जी की क्या है नीड है। जैसे एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट भी क्या चाहती है, मशीन्स की रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है। और अगर मशीन्स की रिक्वायरमेंट है तो मशीन को काम करने के लिए क्या है एनर्जी की क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, अब जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के रिसोर्सेज फाइंड आउट कर रही हैं, ताकि वो अपने ही कंट्री में क्या है सस्ते से सस्ता क्या है ऐसा एक जो सोर्स है उसको प्रोड्यूस कर सके, जिससे क्या है जो एनर्जी है वो क्या कर सके, वो इजिली
सस्ते दामों में क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो हर जो पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो एनर्जी की कंजम्पशन है, एनर्जी का जो यूज़ है, वो हर पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेम नहीं है. कोई देश तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है संसाधनों का, क्योंकि उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में संसाधन है यूज़ करने के लिए एनर्जी के. लेकिन कोई देश ऐसा है जिसके पास क्या है, बहुत कम अमाउंट में क्या है, संसाधन है क्या करने के लिए एनर्जी के, जो यूज़ वो कर रहे हैं. तो दैट मीन्स अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो हर पूरे वर्ल्ड में जो है एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, एनर्जी के जो संसाधन हैं, वो क्या है, हर जगह सेम नहीं है. कहीं तो बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत क्या है, कम है. कुछ नेशन है जिनके पास बहुत ज़्यादा सोर्स हैं एनर्जी के, जैसे यूएसए हो गया. ठीक है, जो क्या है, पूरे वर्ल्ड का 3% क्या कर रहा है, एनर्जी का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो एनर्जी की जो डिमांड है वो किस लिए ज़रूरी है, अब ये जो हमें एनर्जी चाहिए वो किस लिए ज़रूरी है, ताकि जो हमारी जो लाइफ है आज के टाइम में वो हम क्या कर सकें, इजीली क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें. ठीक है, तो इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं, अब एनर्जी कितने टाइप की होती है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एनर्जी है उसके दो टाइप होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, रिन्यूएबल को हम बोलते हैं नवीनकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल को हम बोलते हैं अनवीकरणीय. यही बात हुई थी कि एनर्जी के हम क्या है, हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. एक नवीन करनी है, एक अनवीन करनी है. रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसको हम बारी 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 यूज़ करते रहें और वो कभी ख़त्म ना हो. ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसका अगर हम बार 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 यूज़ करते रहेंगे तो भी क्या है, वो एनर्जी क्या है, ख़त्म नहीं होगी. सेकेंड एग्जाम्पल विंड एनर्जी. ठीक है, जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है. ठीक है, वो पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका अगर हम बारी 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 यूज़ भी करते रहेंगे तो भी वो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी. तो ये हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर. ठीक है, उसी के साथ नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय क्या होते हैं, वो एनर्जी के सोर्स जिनका अगर हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लग जाएं, लार्ज एक्सेस अमाउंट में अगर हम उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो जो सोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे. और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वो ऐसे सोर्सेज हैं जिनको बनने में करोड़ों साल लगे. ठीक है, तो अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको आगे बनने में क्या लग सकते हैं, और करोड़ साल लग सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में हमें वो सोर्स क्या है, अवेलेबल नहीं रहेंगे. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज हो गए, एनर्जी के, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले रिन्यूएबल में क्या होता है, दो टाइप के सोर्सेज हम पढ़ेंगे, एक सोलर एनर्जी, एक सूर्य ऊर्जा, और दूसरी है हमारे पास विंड एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा. तो आगे हम क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में. ठीक है, पवन ऊर्जा के बारे में. ठीक है, तो पहली बात तो पवन जो ऊर्जा है, विंड जो पावर है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ है. उसका यूज़ सबसे पहले उस एरिया में किया जाता है जहाँ पर जो हवाएं हैं बहुत ही तेज गति से क्या है, चलती हैं. ठीक है, तो उस एरिया में क्या है, हम विंड एनर्जी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं ये एक विंड एनर्जी की डिसएडवांटेज है. मान लो कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर हवाएं तेज नहीं चलती है, तो उस एरिया में हम क्या है, विंड एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी उतनी पावरफुल ही नहीं होगी कि वो क्या है, किसी भी चीज़ को क्या कर सके, रोटेट कर सके. ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे पहली चीज़ क्या है, विंड जो पावर है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर क्या है, जो पवने हैं उनकी जो गति है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो, तेज हो. उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, विंड पावर का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर क्या होता है, एक ब्लेड लगा होता है. एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कैसे. इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे एक ब्लेड लगे होते हैं बहुत सारे, पंखे जैसे, जैसे हमारा पंखा होता है. ठीक है, ये पंखा होता है, उसके ऊपर 3 ब्लेड लगे होते हैं. उसके बाद क्या होता है, और जो पीछे होता है इस साइड पे, वहाँ पर क्या है, एक मोटर लगी होती है. क्या लगी होती है, मोटर. ठीक है, जैसे ही हवा आएगी, बहुत तेज़ी से हवा बह रही है, वो क्या करेगी, इन ब्लेड्स को क्या कर देगी, रोटेट कर देगी. जैसे ये जो ब्लेड रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, और ये एनर्जी क्या करेगी, फिर इस रास्ते से होती हुई, इस रास्ते से,
क्या कर जाएगी, ये जो हमने पीछे मोटर लगाई है इसके पास पहुंच जाएगी, ये जो अब ये जो एनर्जी गई इस मोटर के पास, वो ही उस मोटर को क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी, या फिर मैं क्या कहूँ उससे क्या स्टार्ट कर देगी, और जैसे ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ये मोटर क्या प्रोड्यूस कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हवा आई, हवा ने क्या किया, इसको बोलते हैं हम टर्बाइन या ब्लेड्स, ठीक है। हवा आई, हवा ने ब्लेड को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जैसे ही ब्लेड रोटेट हुआ, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो पीछे लगी मोटर के पास गई, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, मोटर को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हुई इससे क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होनी स्टार्ट हो गई, प्रोड्यूस होगी। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो विंड एनर्जी है वो क्या है, यूज़ होती है क्या करने में, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब जो पोटेंशियल है विंड एनर्जी की इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा है, अबाउट 70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, किसका यूज़ करके, हवाओं का यूज़ करके, विंड एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इंडिया है अगर हम बात करें तो वो क्या है, विंड एनर्जी का क्या है, उसके पास हम कह सकते हैं एक रिच सोर्स है, ठीक है। ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है, जो पवन ऊर्जा है वो इंडिया के पास क्या है, प्रेजेंट है, और फ्यूचर में जो इंडिया है अगर चाहे तो इस पवन ऊर्जा का जो है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हम सोलर एनर्जी के बारे में। एक सेकेंड, आई थिंक इसके अंदर कुछ चेंज आ गए हैं, आप एक मिनट होल्ड रखिएगा।